हैप्पी दिवाली। क्या हाल है, क्या नाम है आपका? शिव मंदिर के चारों तरफ का जो माहौल है बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल है। यहाँ पे चेयर्स लगे हुए हैं। चलिए, ये हाई कोर्ट के पास का अम्बेडकर चौक आ गया। अब यहाँ से लेफ्ट लेके हम उधर से वापस रामपाड़ा की तरफ मूव करेंगे। इधर तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है, अंधेरा दिख रहा है। यहाँ पे वीडियो बंद करते हैं, जहाँ भी लाइट्स टाइप का कुछ दिखेगा वीडियो ऑन करेंगे, है ना। जहाँ लगेगा कि मुझे आप लोगों को दिखाना चाहिए तो वहाँ पे ऑन करेंगे। मेरे साथ अभी जो बाइक है वो है हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा फेमस गाड़ी। और अब जो है हम जा रहे हैं वापस रामपारा की तरफ, स्टेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। इधर लगा हुआ है ट्यूबलाइट्स वगैरह। ये लोग जो है अनाते हुए बाइक लेके गए हैं। यहाँ पे ये छोड़ा जा रहा है। Yo, bro. यहाँ पे थोड़ी सी लग रही है लाइटिंग वगैरह अच्छी। अरे छोड़ दिया, रुकना पड़ेगा भाई, पड़ेगा। न्यूट्रल करो गाड़ी को, न्यूट्रल हो गया। चलो, अरे रुक जाओ ब्रो। बहुत मुश्किल है एक हाथ से बाइक चलाना, इतना आसान नहीं है। हालांकि मुझे बाइक अच्छी तरह से चला नहीं आती है, तब ये हाल है। एक हाथ से भी बाइक इसलिए चला पा रहा हूँ और एक हाथ से फोन इसलिए लेके चल पा रहा हूँ कि फीस कम है। जीरो तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्लच का बहुत ज़्यादा रोल होता है गाड़ी चलाने के लिए और मैं क्लच को पकड़ा ही नहीं। चल रहे हैं। ये रोड तो आप देख ही चुके थे जाते वक्त, वापस जा रहा हूँ, थोड़ा फास्ट निकलते हैं। बारी से वापस आते वक्त यहाँ पे जो है छठ पूजा के लिए केले का जो है पेड़ काट काट के रखा गया है, पूरा ओवर ब्रिज के नीचे की तरफ। और ये सामने जो दो बिल्डिंग है वो दोनों बिल्डिंग खूबसूरत लग रही है देखने में। ये है कटिहार का शहीद चौक। और अब जो है हम कालीबाड़ी होते हुए चलेंगे रूम के तरफ, है ना, क्योंकि इधर तो स्टेशन रोड तो देख ही लिया। अब इधर देखते हैं कालीबाड़ी साइड कैसा क्या। दुकानें सारी बंद हैं, दुकान के सामने दिए जले हुए हैं। जो दिवाली के काम की दुकान नहीं है वो सारी बंद है। जो दिवाली में काम आ सकता है पूजा के दौरान, दिवाली में रात के दौरान, वो सारी दुकानें खुली हुई। जैसे ये पान परचून की दुकान, सिगरेट की दुकान, ये सारी दुकानें खुली हुई। ये दिवाली हो, छठ पूजा हो, कोई भी फेस्टिवल हो, ये हर वक्त काम की दुकान है, इसलिए ये खुली हुई। अभी सदर अस्पताल आने वाला है, देखते हैं सदर अस्पताल के बाहर कुछ है। दिवाली का माहौल। इधर भी सारी दुकानें बंद। यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ है, बाइक चलाने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए मैं स्लो जा रहा हूँ, बहुत स्लो जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ही भीड़ है यहाँ पे, हो सकता है मुझे बंद करना पड़े। ये है कालीबाड़ी रोड।
एनसीआर की एक बड़ी सी बिल्डिंग है, वहाँ ऊपर करूँगा तो मोबाइल गिर जाएगा, इसलिए ऊपर नहीं कर रहा हूँ। बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, यहीं पर एक रेस्टोरेंट है मेजा 9, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, आप तो आके ट्राई कर सकते हो, उसको बताना कि मैंने बताया है ताकि स्पॉन्सर से मिले। ऐसा तो अभी होने वाला नहीं है फिलहाल, देखते हैं क्या होता है। वहाँ पे मोड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बाइक मेरी कंट्रोल हो पाएगी कि नहीं देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। हो रही है कंट्रोल, वाह देर हो चुका, यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है, चलो चढ़ गया, क्या बात, वेरी गुड। ये है कटिहार का शिव मंदिर, यहाँ पे भी डेकोरेशन अच्छा है, देखते हैं दिया लगा हुआ है, मंदिर के अंदर एंटर करके देखते हैं। बहुत सारे दिए लगे हुए हैं, तो यहाँ पे मैं शिव खोलता हूँ अपना और दिया का फोटो दिखाता हूँ। ये मंदिर के बाहर का एरिया बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पे लोग मॉर्निंग वर्कआउट भी करते हैं सुबह सुबह आके, यहाँ पे दिया लगा हुआ है। ये बच्चा यहाँ पे खेल रहा है दादाजी के साथ। क्या हैप्पी दिवाली, क्या हाल है, क्या नाम है आपका बताओ, क्या नाम है, प्रिंस, प्रिंस हैप्पी दिवाली। प्रिंस दिवाली इंजीनियरिंग कर रहा, अरे कोई नहीं कोई नहीं, आ जाओ उधर जाओ, दादाजी के पास जाओ, बाय बाय। शिव मंदिर के चारों तरफ का जो माहौल है बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल है, यहाँ पे चेयर्स लगे हुए हैं, ऐसा लगता है यहाँ पे बैठ के शांति से बैठा जाए आराम से बहुत देर तक। मंदिर के चारों तरफ का माहौल काफ़ी शांत है, खाली पैर यहाँ आसानी से चला भी जा सकता है, बहुत आसानी से, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई आपको मना नहीं कर सकता, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, है ना। चलिए तो अब यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा आगे कुछ ऐसा मिलता है तो आप लोगों को दिखाता हूँ, दिया का शॉट दिखाता हूँ एक अच्छा सा, डाला जाता है नहीं मालूम है, काफ़ी देर तक ये जलते रहता है, हवा भी चले तेज तो भी नहीं बुझती है। तो हैप्पी दिवाली सब लोगों को एक बार फिर से, आप लोग एंजॉय करो दिवाली में और सेफ दिवाली एंजॉय करो आसानी से, है ना, फायर क्रैकर्स फटाओ, है ना, फायर क्रैकर्स का यूज़ करो, एंजॉय करो, लेकिन लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, रोड पर फायर क्रैकर्स मत करें, है ना, पटाखे जो है रोड पे ना छोड़ें, और पटाखे हाथ में लेके आप लोग जला के रोड पे फेंक देते हैं, अचानक से कोई बाइक वाला आता है या कोई पैदल चल के आता है तो उसके जस्ट नीचे वो पटाखे जो फटते हैं तो बहुत ही डरावना होता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो ये चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है, लिमिट में पटाखे छोड़ें ताकि पॉल्यूशन नहीं हो। चलिए अब मंदिर से निकलते हैं, और यही है वो मेरा साथी जिससे मैं सफ़र कर रहा था अभी,
तो एक बार फिर ये मेरे साथ चलेगा। चलिए यहाँ पे फायर क्रैकर्स की दुकान पता है। अब मैं बड़ी बाज़ार वाले एरिया से जो है अपने रूम की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो वीडियो को अब एंड करेंगे। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो शेयर करिए। इनिशियल स्टेज है चैनल का, तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही सहयोगफुल होगा, सहयोगी होगा, उपयोगी होगा, जो भी होगा यूज़फुल होगा, काम ही आएगा। तो अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। हैप्पी दिवाली एक बार फिर से आप लोगों को। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।